नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डूड ऑन मोजो। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। सो आज एक नए डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। आज वीकेंड है और क्लाइमेट काफ़ी सुहाना है। लॉन्ग ड्राइव के लिए इससे बेहतर क्लाइमेट हो ही नहीं सकता। सो दोस्तों, आज जो हम डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं वो वर्ल्ड की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैचूज। वी आर गोइंग टू स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे इन लॉस के घर पे, और यहाँ पे मेरे साथ इंडियन आर्मी के दो जवान जुड़ चुके हैं। सो इनसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। सो भैया, आपका नाम? शेर सिंह। शेर सिंह, क्या बात है। और भैया आपका? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, बात करते हैं इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में, इसकी खासियत क्या है। सो दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय श्री श्री चिन्ह जी आर स्वामी एंड ऑल्सो बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये इनॉग्रेट हुआ था श्री श्री रामानुज के 1000th एनिवर्सरी के दिन। और श्री श्री रामानुज की खासियत ये है कि उन्होंने इक्वालिटी के लिए, ही हैड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। सो दोस्तों, हमारे सैनिक भाइयों को मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ और एंड आई विल पिक अप माय फैमिली। आज हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देखने के लिए, जो यहाँ से 90 किलोमीटर दूरी पर है। सो मिलता हूँ वेरी सून आपको डेस्टिनेशन के पास। तो अब हम वी आर गोइंग टू लीव आर स्लीपर्स ओवर हियर एंड यहाँ पे काफ़ी गाइड्स है जो बता रहे हैं कहाँ पे यू विल हैव टू लीव द स्लीपर्स। दे आर गोइंग टू गिव यू अ टोकन हियर आफ्टर कलेक्टिंग एंड वंस यू कम बैक यू हैव टू शो द टोकन एंड कलेक्ट बैक द स्लीपर्स। गाइज, यहाँ पे हमें मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ता है। यहाँ पे ये वॉलंटियर्स है जो आपको गाइड कर देंगे। सो जैसा कि मैंने अभी ये फॉर्म भर दिया है, इन केस यू नीड ब्लेसिंग्स ऑल्सो यू कैन मेंशन योर बर्थडे डेट, मैरिज डेट, एनिवर्सरी डेट एंड यहाँ पे आपको मोबाइल पे जितने मोबाइल्स आप डिपॉजिट कर रहे हो वो मेंशन करना पड़ेगा। और ये रूट मैप है जिससे जो हेल्प करेगा आपको अंदर घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। चिन्ह जी और स्वामी जी का ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, ये है एंट्री काउंटर्स है। एंट्री पास के टिकट्स लेना पड़ता है हमें। काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। बहुत से विजिटर्स आए हैं आज यहाँ पे एंड हियर यू कैन सी ब्यूटीफुल अक्षरा। और ये डोर देखिए दोस्तों, कितना बड़ा डोर है। वाओ,
మేడం అడల్ట్కి ఎంత టికెట్? ఇంకా 125 రూపీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్. అడల్ట్ కే లియే టికెట్ హై 200 ఆర్ చిల్డ్రన్ కే లియే హై 125. సో యహాన్ పే బ్యాగేజ్ ఆర్ మొబైల్ కౌంటర్ సే దోస్తో వెరీ క్లియర్లీ లిఖనా పడేగా కి ఆప్ క్యా క్యా ఐటమ్స్ యహాన్ దే రహే హో ఆర్ కుచ్ బ్యాగేజ్ ఆప్ క్యారీ కర్ రహే హో తో బ్యాగేజ్ కౌంటర్ యహాన్ హై, యహాన్ పే ఆప్ ఆప్కా బ్యాగేజ్ రఖ సక్తే హో. ఫోర్ మొబైల్స్. ఈ కెమెరా కూడా డిపాజిట్ చేయాలనా? ఓకే, ఇక్కడ రాయాలనా మేడం కెమెరా కూడా? సో యహాన్ పే దోస్తో ఇస్ ఫార్మ్ మే మే లిఖ రహా హూ ఫోర్ మొబైల్స్ ప్లస్ వన్ కెమెరా. సో జైసే హమ్ యే డిపాజిట్ కరేంగే హమే ఏక్ కూపన్ దియా జాయేగా అండ్ వన్స్ వి ఆర్ బ్యాక్ వి కెన్ గివ్ దిస్ కూపన్ అండ్ కలెక్ట్ ఇట్. इस एंटायर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को अगर आप विजिट करना चाहोगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे. सो 3 things टू कीप इन माइंड दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड इनसाइड एंड यू आर नॉट सपोज टू कैरी मोबाइल्स. योर फुटवेयर्स यू हैव टू लीव देम आउटसाइड और यू विल हैव टू कैरी सम कैश अलॉन्ग विथ यू बिकॉज इनसाइड यू कैनॉट, सिंस यू कैनॉट कैरी मोबाइल्स यू कैनॉट डू एनी डिजिटल पेमेंट्स. सो यू शुड कैरी लॉट्स ऑफ कैश देयर in case you want to visit the cafeteria, have some food, or if you want to buy some books. So jaise hi aap enter hoge aapko 108 avatar Vishnu ji ke chote chote temples mein dikhai denge. Oh, ye book aapko temple ke jo first temple hai wahan pe milegi. This will cost you about 50 rupees aur isme har ek temple ka number diya gaya hai. Jaise number 1 ho gaya Sri Rangam, number 2 is Nachiyar Koyil. ऐसे 108 छोटे छोटे टेम्पल्स हैं दोस्तों और इसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो भी पढ़ सकते हो. गो अहेड एंड विजिट द स्टैचू विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. काफ़ी ब्यूटिफुल स्टैचू है दोस्तों. इस स्टैचू के नीचे एक मंदिर है जहाँ पे रामानुजाचार्य की गोल्डन कलर की मूर्ति लगी हुई है और अंदर जो गोल्डन किरीटम रहता है उससे आशीर्वाद देते हैं. सो इट्स वंडरफुल टू सी this particular place. It's next to heaven. This place is open from 11 AM to 6 PM. So maine apni journey subah start ki thi 11 AM. I reached over here at about 1 PM and then till 3 PM I was able to visit complete visiting all the temples and the स्टैचू. कमल के ऊपर रामानुजाचार्य जी बैठे हैं और इस कमल को कैरी कर रहे हैं एलिफेंट्स. जो मंदिर बने हैं दोस्तों ये सैंडस्टोन मार्बल के हैं एंड ऑल दीज हैव बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम राजस्थान. जैसे ही आप अंदर जाओगे आप ये लीफलेट ले लेना, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस. सो इट शोज़ द एंटायर मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस और अंदर आपको
ध्वज स्तंभ दिखेगा, दैट इज कॉल्ड द गरुड़ स्तंभ। और अंदर आपको ये कॉमन मूर्तियाँ बहुत दिखेंगे, जैसे कि फियरलेस गरुड़ा, माइटी हनुमान, एलिफेंट, प्राणगनम, ये स्टार्टिंग एंट्रेंस में ही आपको दिखेगा। और ये विजयनगर आर्किटेक्चर का एक रथ है जो स्टार्टिंग में दिखता है। चोला आर्किटेक्चर, नगरा आर्किटेक्चर, पल्लवा आर्किटेक्चर और काकतिया आर्किटेक्चर, इतने सब आर्किटेक्चर के चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी है आज अक्षरा वर्मा, जो यहाँ आई है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी विजिट करने के लिए। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट्स वॉज वेरी गुड। और आज मैं मेरे फैमिली के साथ आई थी। आज मैंने 108 टेम्पल्स देखे। 108? हाँ। Oh my God! बहुत ब्यूटीफुल था वो स्टैचू। हाँ, और अंदर खाना है? खाना प्रोवाइड करते हैं अंदर? हाँ। क्या क्या खाया आपने? मैंने खाया छोले, राइस, दाल, राइस, और मैंने लड्डू। यहाँ पे फाउंटेन शो भी देखा आपने? Yes, फाउंटेन शो अच्छा बहुत। ओके, और क्या अच्छा लगा आपको इस प्लेस के बारे में? मेरे को अच्छा लगा जब रात होती है ना, लाइट जलते हैं ना, तब अगर मैं उसको भी देखते रहो और फाउंटेन शो भी देखते रहो ना, मेरे को बहुत मस्त लगता है। थैंक यू अक्षरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हैव अ लवली डे। थैंक्स। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 इन द इवनिंग। बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है इधर और अभी भजन भी शुरू हो गए हैं। सो हमने डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, बिकॉज आई हैव टू ड्राइव अबाउट 88 किलोमीटर्स, विच इज़ गोइंग टू टेक अबाउट 1.5 आवर। सो लेज़र शो भी होता है दोस्तों, अगर आप लेज़र शो देखना चाहते हैं तो यू हैव टू बी हियर एट 7 PM। When we are returning now, it is raining. You can see the rain on the glass of the car, the front glass. और धीरे धीरे बारिश हो रही है और स्ट्रीट लाइट्स डाल दिए हैं ORR पे। काफ़ी ब्यूटिफुल दिख रहा है नज़ारा। अब जस्ट वेट कर रहा हूँ, वंस आई गेट डाउन फ्रॉम ORR वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट चाय ब्रेक एंड देन वी आर गोइंग टू हेड बैक होम। सो आज काफ़ी सुहाना मौसम था और हमने करेक्ट डे चूज़ किया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जाने के लिए। इट्स अ परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी नीट है प्लेस, नीटनेस बहुत मेंटेन किया गया है। फूड जो कैफेटेरिया है उसमें ओरीज है वेंडर, सो ओरीज तो जानी मानी होटल है एस्टैब्लिश ट्विन सिटीज में। सो ये लोग केटरिंग कर रहे हैं एंड जो वेज थाली है वो है 130 रुपीज़, छोले भटूरे है 90 रुपीज़ एंड यू ऑल्सो गेट चाइनीज थाली एज वेल और चाइनीज मेनू एज वेल। और स्नैक्स है कूल ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी इज़ अबाउट 30 रुपीज़ ईच। कूल ड्रिंक यू आर गेटिंग इट इन कैंस इज़ अबाउट 40 रुपीज़। और जो प्रसादम है वो भी मिल रहा है दोस्तों 50 रुपीज़ में आपको प्रसाद, लड्डू, कोली होरा या फिर बालूशाही वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे चिन्नजी और स्वामी के जो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं होली प्रोडक्ट्स, सो बुक्स, कैलेंडर्स एंड ये सब उपलब्ध है वहाँ पे। और अलग वीट हर्बल सोप्स, टेम्पोज एंड अगरबत्तीज और काफ़ी सामग्री है दोस्तों। ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने वहाँ से एक पैम्फलेट कलेक्ट किया है और जैसा मैंने बताया मोबाइल्स अलाउड नहीं है, पर एक व्यू पॉइंट आता है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से फ़ोटो ले सकते हो। सो अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हो तो इसका कॉस्ट होगा 200 रुपीज़। तो आपको वहाँ पे फ़ोटो उतरनी है और कैफेटेरिया के पास एक काउंटर है, वहाँ पे जाकर आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। सो द फोटो कॉस्ट इज़ 200 एंड द बिग साइज़ इज़ 250 रुपीज़।
और उसके साथ एक फ़ोटो फ्रेम देता है वो पेपर का, जो आप आपके घर में रख सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड वेरी गुड थिंग इज यहाँ पे व्हेन यू लीव योर स्लीपर शूज दे डोंट चार्ज यू फॉर दैट। मोबाइल कैमराज दे आर नॉट अलाउड इनसाइड, दे आर सेफली यू हैव टू डिपॉजिट इट एंड वो बहुत सेफली रखे जाते हैं एंड दे आर रिटर्न बैक टू यू। व्हील चेयर जस्ट फॉर हैंडीकैप पीपल, व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। और ऑल्सो फॉर ओल्ड एज पीपल यू कैन ऑर्डर फॉर अ व्हील चेयर। एंड आई थिंक VIPs के लिए लिफ्ट, एक लिफ्ट है जो सीधा स्टैचू के ऊपर, यूजुअली आपको मैनुअली तो स्टेप्स लेना पड़ेगा बट फॉर VIPs देर इज़ अ ऑप्शन टू टेक अ लिफ्ट एज वेल। और प्रसाद दोस्तों, प्रसादम भी काफ़ी टेस्टी है यहाँ पे एंड यू विल हैव अ वेरी नाइस स्पिरिचुअल फीलिंग व्हेन यू रीच दिस प्लेस। और कंस्ट्रक्शन अभी जारी है दोस्तों टेंपल का, सो हम जब आ रहे थे और एक सेक्शन टेंपल का बन ही रहा था। द सैंडस्टोन इज फ्रॉम राजस्थान एंड जो ध्वजस्तंभम है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो ज़रूर जाइए एनी वीकेंड, जस्ट प्लान स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट अराउंड 8 AM 9 AM एंड यू विल हैव टू स्पेंड अबाउट कपल ऑफ आवर्स देयर एट टू विजिट द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। And then if you are planning to stay back, you can stay back in the evening, watch the laser show and head back home by 9:30 PM. So, इसी के साथ ये vlog end करता हूँ दोस्तों। Next destination कौन सा नया आएगा सिटी में, प्लीज़ कमेंट कीजिए आप कौन सा नए डेस्टिनेशन पे मुझे देखना चाहते हो, कौन सा vlog मैं create करूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ये ब्लॉग कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करिए। सो अर्लियर एक्चुअली जब मैं ब्लॉग कर रहा था तो आई यूज़ टू जस्ट यूज़ माय मोबाइल, अब मैंने अपग्रेड कर दिया है मेरा इक्विपमेंट। आई एम यूजिंग GoPro 9 अलॉन्ग विद लेवेलियर माइक, सो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहेगी ब्लॉग की। एंड ऑल्सो दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट 2 वीक्स में आई एम हेडिंग टू स्पिटी, सो प्लीज़ जब तक आई एम प्लान August 15 तक एटलीस्ट आई एम होपिंग दैट आई रीच द 1000 सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो आस्क देम टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन गेट वंडरफुल कंटेंट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।